we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Welcome back to another video. My name is Suraj Adhikari and you are watching Casatech. So in 4 minutes and 30 seconds, मैं आपको Razer Viper Mini के बारे में सब कुछ बताऊंगा और क्यों ये माउस इन 2022 2000 रुपीस में बेस्ट माउस है. तो चलिए शुरू करते हैं. So Razer Viper Mini लॉन्च हुआ था जून 2020 में और तब इसका प्राइस अराउंड 3500 से 4000 रुपए था. बट आज ये माउस सिर्फ 2000 रुपए का मिल रहा है ऑन Amazon, जो कि मेरा मानना है वन ऑफ द बेस्ट डील है. क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस माउस का मैक्स DPI है 8500. अब मैक्स IPS स्पीड इसकी 300 है एंड इसका 1000 हर्ट्ज़ का पुलिंग रेट है. ठीक है, अब क्योंकि इसका माउस का वेट सिर्फ 61 ग्राम्स है, तो जब आप इसे पहली बार होल्ड करोगे ना अपने हाथ में, आपको ये माउस फील नहीं होगा. इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ. अब ये वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको 2000 के अंडर के माउसेस में भी देखने के लिए मिल जाती हैं. बट दूसरे माउसेस में ना आपको ये 6 प्रोग्रामेबल बटन नहीं मिलेंगे और वो सेकंड जेन ऑप्टिकल स्विचेस नहीं होंगे. इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि नॉर्मल माउसेस में फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस आते हैं. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये पहले आप जान लो क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. सो फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस और नॉर्मल स्विचेस क्या होते हैं? सो फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस और नॉर्मल स्विचेस को जब भी आप क्लिक करते हो तो दो मेटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं और उन मेटल प्लेट्स के टकराने की वजह से एक बाउंसिंग इफेक्ट पैदा होता है और इसी बाउंसिंग इफेक्ट की वजह से आपके क्लिक्स के रिस्पॉन्स टाइम में लेटेंसी बढ़ती है, यानी आपके माउस के प्रोसेसर तक सिग्नल लेट पहुँचता है. और क्योंकि दो मेटल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इस वजह से इन नॉर्मल क्लिक्स की यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस की लाइफ भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल स्विचेस. अब ऑप्टिकल स्विचेस में ऐसा क्या है? बेसिकली ऑप्टिकल स्विचेस में लेज़र यूज़ होती है, इस वजह से उसमें कोई बाउंसिंग इफेक्ट नहीं होता. यानी कि सिग्नल कम्प्लीट होने के लिए यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स आपस में नहीं टकरा रही हैं, सिर्फ एक लेज़र के थ्रू सिग्नल को कम्प्लीट किया जा रहा है जब भी आप स्विच को क्लिक करते हैं. और इसी वजह से उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस के कंपैरिजन में ना के बराबर लेटेंसी होती है. और क्योंकि यहाँ पे मेटल प्लेट्स नहीं टकरा रही हैं, इस वजह से इन स्विचेस की लाइफ भी ज़्यादा होती है. अब अकॉर्डिंग टू Razer, एक ऑप्टिकल स्विच की लाइफ होती है अराउंड 70 मिलिंग किक्स. वहीं अगर आप एक नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस की आप देखोगे तो आपको 30-40 मिलिंग क्लिक्स के अराउंड आपको उसकी लाइफ मिलेगी और उसमें ही उसके डबल क्लिक के इश्यूज चालू हो जाएंगे. ठीक है, तो ये फ़र्क है एक ऑप्टिकल स्विच में और फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विच में. इस वजह से ऑप्टिकल स्विचेस ज़्यादा बेटर हैं और ज़्यादा एडवांस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस. उनमें कम लेटेंसी होती है और उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, इस वजह से वो बेटर होते हैं. डिज़ाइन एंड साइज़ की बात करें तो ये माउस एक स्मॉल साइज माउस है. ठीक है, सो अगर आपका हैंड साइज 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इस माउस को आप मत परचेस करना. साथ ही अगर आपके पाम पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो भी इस माउस को मत परचेस करना क्योंकि ये माउस थोड़ा स्लिपरी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर गेमिंग माउस. ठीक है, आपको लगेगा पिक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी, बट लेकिन है नहीं. अब उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, आप माउस पे माउस ग्रिप लगा के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको जैसा ठीक लगता है. एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि माउस में आपको ब्रेडेड वायर्स दी गई हैं ताकि तार कटने की वजह से आपका माउस कहीं ख़राब ना हो. RGB का पूरा ध्यान रखा गया है जिसे आप Razer के सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे. तो ये तो होगी स्पेसिफिकेशंस. अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बजट माउसेस के अंदर. ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा Logitech का G102 है वायर्ड माउस और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Razer Viper Mini है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, Razer Viper Mini आपको 2000 में ये सारी स्पेसिफिकेशंस तो दे रहा है, साथ ही आपको ऑप्टिकल स्विचेस दे रहा है जो कि सेकेंड जेन है. वहीं Logitech G102 में आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट स्विचेस मिलेंगे. ठीक है, जिनकी लाइफ भी कम है, जिनमें लेटेंसी भी ज़्यादा है. सो इन माय ओपिनियन Razer Viper Mini मेरे लिए तो विनर है भाई. सो एट द एंड, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन दोनों प्रोडक्ट को लेके या कोई और भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा. सो ये था कुछ आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट.